आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा तो आप पाएंगे कि वाकई आपकी जिंदगी में बहुत खास चेंजेस आ रही हैं। सबसे पहले तो जब भी आप घर से बाहर जाते हो, कहीं भी आपने जाना है, तो अगर थोड़ा सा गुड़ खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर आप जाएंगे तो आपका सूर्य और आपका मंगल और आपका चंद्र तीनों ग्रह स्ट्रांग होंगे। चंद्र स्ट्रांग होगा तो आपका दिमाग की वर्किंग बहुत अच्छी रहेगी, सूर्य स्ट्रांग होगा तो आपका कॉन्फिडेंस जागेगा, मंगल स्ट्रांग होगा तो आप में एक हिम्मत एक शक्ति आएगी, तो तीनों ग्रह बढ़िया। और ऐसी हालत में आप अपने घर के मेन गेट को भी स्पर्श करके जाएं, क्योंकि घर में हम पाठ पूजा करते हैं, धूनी देते हैं, धूप देते हैं, तो घर में एक एनर्जी होती है और सारी एनर्जीज मेन गेट पे होती है। जैसे ही उसको टच करते हैं वो आपके अंदर एनर्जीज एंटर करती हैं। फिर अगर भगवान ना करे कभी भी आप आर्थिक तौर पर किसी भी संकट में आ जाते हैं, तो सिंपली आप एक अशोका पेड़ के पत्तों के ऊपर हल्दी के साथ स्वास्तिक का निशान बनाएं और निशान बनाकर उसका एक बंधन वार आप बना दें, तोरण जैसे घरों में होते हैं, तो तोरण बनाकर आप घर के मेन गेट के ऊपर टांग दें और कम से कम 21 आप फ्राइडे तक ये जरूर करिए, तो आपका जो संकट है वो अपने आप समाप्त होने के चांसेस बन जाएंगे, आप उस मुसीबत में से बाहर आ सकते हैं। फिर जब भी आप घर से किसी भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो अपने पूजा स्थल में पानी से भरे हुए एक कलश में थोड़ा सा पानी और मिला दें और फिर उसको प्रणाम करने के बाद जल देवता को प्रणाम करते हैं, ये कलश स्थापना जब होती है तो आप फिर अपना कदम बाहर निकालें, पहला कदम, और उससे ही आपको ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपका महत्वपूर्ण काम होने के। लेकिन जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप हमेशा अपना दायां पैर पहले बाहर निकालें तो अच्छे रिजल्ट्स होंगे। फिर जब भी आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए, किसी आर्थिक काम के लिए घर से बाहर जाते हो, तो जाने से पहले आप अपने घर के निवास स्थान के दोनों तरफ 8-8 पीपल के जो पत्ते होते हैं उसके गुच्छे टांग दें। गुच्छा एक ऐसा हो जिसमें 8 पत्ते हों और हर एक गुच्छे के सेंटर में अगर आप एक रोज का फूल भी बांध लें, देसी गुलाब होना चाहिए, देसी लाल गुलाब, तो आप जब भी कार्य पर जाने के लिए निकलते हो तो पहले एक काले रंग की धूप से इन दोनों गुच्छों को जो है धूप दें, या लोबान की धूप मिल जाए आपके पास तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके लिए साबित हो सकती है। और जाते समय आप गुच्छों को स्पर्श करके जाते हैं तो आपका काम हर हाल में होने के चांसेस बनते हैं। और अगर एक सिद्ध किया हुआ एकाक्षी नारियल जिसको आपने पूजा स्थान में रखा हुआ है उसके ऊपर आपने लाल मौली मान लो लपेटी हुई है, तो अगर वो भी जाते हुए आप अपनी फ्रंट पॉकेट में डाल के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो और भगवान की कृपा रहे, सब विघ्न विनाश हो जाए। तो दोस्तों कैसे लगे आज के ये खास उपाय आपके लिए? अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया और सेम नाम से हमारा Facebook पेज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जब भी आप आना चाहते हो तो टाइम लेके आप आ सकते हो, हमारे पास स्वागत है आपका। और जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियाँ मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइएगा, नशों से परहेज करिएगा और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिएगा, आपके सारे स्तारे बहुत बढ़िया होंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।